स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर दीदी अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले दीदी आप सभी को अवगत कर दिया जाएगा। तो प्लीज़ हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप पहले से ही DNRLM में जुड़ी हैं तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंच सूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखे सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है और वैधता भी मिल रही है। तो चलिए दीदी ज़्यादा ना बात करते हुए मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने हमारे थंबनेल में देखा है, बहुत ही दुख के साथ कहा जा रहा है कि समूह बंद होने लगे हैं। जी हाँ दीदी, बहुत से ऐसे समूह हैं जो अब बंद होने लगे हैं। कारण क्या? कारण यही है कि पैसा न मिलने की वजह से समूह बंद हो रहे हैं। जितनी भी दीदियां हमसे बात की हैं, कॉल की हैं, मैसेज की हैं, सभी दीदियों का यही करना है कि दीदी हमें समय पर पैसा नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग समूह बंद कर रहे हैं। वजह कई प्रकार की हैं। कुछ वजह यह है कि समूह कितनी दीदियों ने एक साल से खोले हैं, 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन उनके समूह के खाते में RF का पैसा नहीं आया है, CIF धनराशि नहीं आई है, इस कारणवश वो अपना समूह बंद कर रही हैं। उन दीदियों से भी निवेदन करूंगी कि दीदी प्लीज़ आप लोग मत बंद करिए, अपने समूह के बचत के पैसे ही से आप लोग लेन देन कर सकती हैं, पैसा आप सभी के खाते में ज़रूर आ जाएंगे। और कुछ दीदियों का यह कहना है कि हम लोगों ने जो ऋण लिया था समय समय से ऋण वापसी कर दिए हैं और ग्राम संगठन में पैसे पूरे जमे भी हो चुके हैं। जी हाँ, 1,10,000 CIF धनराशि का पैसा उन्होंने पूरा ग्राम संगठन में जमा कर दिया है, फिर भी उन्हें दोबारा सामान्य ऋण नहीं मिल रहा है। इस वजह से पैसों को लेन देन करने में दिक्कतें हो रही हैं, तो वो दीदी भी समूह बंद करना चाहती हैं। उन दीदियों से भी अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ समूह न बंद करें, लेन देन करती रहें, आपको ज़रूर सामान्य ऋण मिलेगा। प्रस्ताव लिखकर आप ग्राम संगठन को भेजिए, अगर वहां से आपको पैसा नहीं मिल रहा है तो आप प्रस्ताव बनाकर जिले पर ज़रूर भेज दें। और सबसे बड़ा कारण दीदी यह है कि जो दीदियां पहले से ऋण ली हैं समय समय पर वापस नहीं करती हैं, तो इसकी वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। जैसे मान लीजिए स्वयं सहायता समूह जुड़ा, सभी दीदियों ने मिलकर समूह के खाते खुलवाए, RF का पैसा आया, CIF धनराशि भी आई, और उसी समय कुछ दीदियों ने पैसे ऋण के तौर पर ले लिए। अब वह न ब्याज वापस कर रही हैं, न मूलधन वापस कर रही हैं, तो ऐसे समूह में काफ़ी समस्याएं आने लगी हैं, क्योंकि न तो वो वापस कर रही हैं, न तो ग्राम संगठन में जमा हो पा रहा है, और ना ही दूसरी दीदी को ऋण मिल पा रहा है, क्योंकि सभी दीदियाँ समूह में इसीलिए जुड़ी हैं कि हमें भी ऋण मिलेगा और हम कोई रोज़गार व्यापार करेंगे। तो ऐसी दीदियों से अनुरोध करूंगी कि प्लीज़ अगर आप समूह से ऋण ली हैं तो उसको समय से ऋण ब्याज जो है जोड़कर जमा कर दीजिए, क्योंकि अगर आप नहीं जमा करेंगी तो समूह टूटने की संभावना है, तो आगे चल के जो भी नौकरी जॉब रोज़गार मिलने वाले हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार आज सुबह से ही 3-4 कॉल हमें आए हैं सामुदायिक शौचालय को लेकर। जी हाँ, कुछ ब्लॉकों में इतना गंदा काम किया जा रहा है कि समूह की महिलाओं को रोज़गार पहले दिया गया और उनसे काम भी लिया गया, 11 महीने कोई दीदी, 6 महीने कोई, महीने 8 महीने तक दीदी काम की हैं, काम करने के बाद अब उनके समूह के खाते में पैसे भी नहीं दिए गए और ना ही उनसे वार्तालाप किया गया। जब प्रस्ताव लिखकर वो देती हैं तो उन्हें बताया जा रहा है कि अब आपको सामुदायिक शौचालय की सफाई नहीं करनी है, अब दूसरी दीदी को रखा जाएगा। तो ये सरासर महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है कि पहले उनसे बुलाकर ब्लॉक पर रोज़गार दिया जाता है, मुहैया कराया जाता है, फिर वो काम भी करती हैं, सूचनाएं भी होती हैं,
फिर भी उन्हें काम से हटाया जा रहा है। तो आप ही दीदी, सभी लोग समझिए, किसी भी दीदी को, चाहे जो भी गरीब दीदी हो, अगर उन्हें पहले काम दिया जाए, रोज़गार दिया जाए, काम लिया भी जाए, उसके बाद उनका पेमेंट न दिया जाए, तो कितनी दुख की बात है कि महिलाएं तो गरीब हैं, परेशान हैं, उसके बाद आपने रोज़गार दिया, काम भी लिया, फिर पैसे नहीं दे रहे हैं। पैसे देने की बात आने पर ब्लॉक के अधिकारी जो हैं वह ये बता रहे हैं कि आपको प्रधान चाहेंगे तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ BMM या ब्लॉक स्तर से जो भी अधिकारी हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि जो महिलाएं पहले से काम कर रही हैं उन्हें काम पे रखा जाए और उनका मानदेय भी उनको दिलवाया जाए। सिर्फ यह कह के पल्ला ना झाड़ लिया जाए कि आपको प्रधान देंगे तो आप लीजिएगा, नहीं देंगे तो नहीं पाइएगा। तो ये महिलाएं कहाँ जाएंगी, वो तो कम पढ़ी लिखी हैं, परेशान हो जाएंगी। तो मदद तो ज़रूर करनी चाहिए। उसके साथ ही जो भी रोज़गार आ रहे हैं, सबसे पहले समूह की दीदियों को वरीयता दी जा रही है। तो पहले ब्लॉक के अधिकारी को ये समझ लेना है कि हमें ब्लॉक के नियम के अनुसार काम महिलाओं को देना है और उन्हें पैसे भी जो है मानदेय भी प्रोवाइड करानी होगी, या तो वो करा ही ना दीदियों का, उन प्रधान जी के ऊपर ही छोड़ दिया जाए, क्योंकि जैसे पहले प्रधान जी करवाते थे आज भी कराएंगे और आगे भी कराते रहेंगे। जैसे कि हम भी बताते हैं हर वीडियो में कि समूह की दीदियों को वरीयता दी जाएगी, तो मिल भी रही है वरीयता, लेकिन यहाँ प्रधान जी आड़े आ रहे हैं। अगर आड़े आ रहे हैं तो एक्शन किसे लेना है, ब्लॉक के अधिकारियों को लेना है, ना कि महिलाओं को लेना है, क्योंकि सभी दीदियों को रोज़गार कहाँ से मिल रहा है, ब्लॉक के द्वारा दिया जा रहा है, DNRLM के द्वारा दिया जा रहा है। तो जिम्मेदारी भी DNRLM की पड़ती है और ब्लॉक के अधिकारियों की भी, कि जो प्रधान जी पैसे नहीं दे रहे, मानदेय नहीं समूह के खाते में दे रहे हैं, महिलाओं को परेशान कर रहे हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन जरूर लिया जाए, महिलाओं को परेशान न किया जाए, क्योंकि वो पहले से ही परेशान है गरीबी से अपनी। समूह में कोई दीदी जुड़ी है तो रोज़गार पाने के लिए और कुछ मानदेय कमाने के लिए, जब वो काम भी कर रही हैं, मानदेय भी उनका बन रहा है, तो क्यों ना उनका मानदेय उन्हें तक दिलाया जाए। आप सभी दीदियों से निवेदन है कि जो भी दीदी कैडर के रूप में काम कर रही हैं, वो सभी कैडर पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करें, चाहे वो BC सखी हो या बैंक सखी हो या सामुदायिक शौचालय में कर रही महिला हो या महिला मेट हो, जो भी कैडर हो या समूह सखी हो, IPRP हो, BRP हो, जो भी कैडर बनाई गई हो, आशा करती हूँ कि ये लोग बहुत ही ईमानदारी से अपना काम करेंगी, क्योंकि जब तक सारी कैडर ईमानदारी से काम नहीं करेंगी तो सभी महिलाओं का जो उद्देश्य है आगे बढ़ने का वो पूरा नहीं होगा। तो प्लीज़ आप सभी से निवेदन है कि आप लोग पूरे ईमानदारी से काम करें, जो भी महिला पात्र हैं, गरीब हैं और उनको रोज़गार मुहैया कराने की ज़रूरत है, तो ज़रूर आप लोग पूरा सपोर्ट करके उन्हें रोज़गार मुहैया कराइए और आगे बढ़ाइए। क्योंकि दीदी एक बात बिल्कुल सत्य है, अगर आप गरीब महिलाओं की मदद करेंगी तो आपकी मदद भगवान करेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सभी कैडर अपने पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, गरीब महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते रहेंगे। जहाँ अन्याय हो रहा है, जहाँ गलत चीज़ें हो रही हैं, उस पर भी आप लोग आवाज़ जरूर उठाएंगी। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, हमारे प्रेरणा TV चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद। जय आजीविका।